Hello, I am Samriddhi Gupta from class 12D. This video is an assignment given by Mrs. K. Sehji ma'am. This video's topic is properties of determinant. First property, determinant के किसी भी रो को किसी कॉलम के साथ अगर इंटरचेंज किया जाए तो determinant की वैल्यू चेंज नहीं होती है, जैसे चेंज करने से पहले थी वैसे ही बाद में होती है. प्रॉपर्टी नंबर टू, किसी determinant के दो रोज या फिर दो कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज किया जाए तो डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज हो जाती है. इसका मतलब है कि डिटरमिनेंट में चेंज करने से पहले जो अगर वैल्यू पॉजिटिव थी तो डिटरमिनेंट में चेंज करने के बाद वैल्यू नेगेटिव होगी. प्रॉपर्टी नंबर थ्री, अगर किसी डिटरमिनेंट के दो रोज या फिर दो कॉलम्स आइडेंटिकल हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी. प्रॉपर्टी नंबर फोर, अगर किसी डिटरमिनेंट में हमें k किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है तो उस k का मल्टीप्लाई डिटरमिनेंट के किसी एक रो में या फिर किसी एक कॉलम में होगा, सभी रोज या सभी कॉलम्स में नहीं. अगर हमें डिटरमिनेंट में से कुछ कॉमन करना है तो भी हम एक रो या फिर एक कॉलम में से ही कॉमन करेंगे. प्रॉपर्टी नंबर फाइव, अगर डिटरमिनेंट के किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सभी एलिमेंट्स ज़ीरो हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी. प्रॉपर्टी नंबर सिक्स, डिटरमिनेंट के किसी भी एक रो या कॉलम के सभी एलिमेंट्स को किसी दूसरे रो या कॉलम के एलिमेंट्स के साथ जोड़ दिया जाए तो डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम रहती है, जैसे कि इन्हें ऐड करने से पहले थी. थैंक यू.